प्रेज लॉर्ड, परमेश्वर के अनुग्रह से हम रोज मैसेजों को हमारे चैनल पर डाल रहे हैं और आप लोग उसको देखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद। आज हम देखते हैं जो कल हमने देखा था, प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ली शैतान ने, अब उसके बाद उसका कार्य आरंभ, प्रभु यीशु मसीह की जो सेवकाई है वो करना वो शुरू करता है, तो उसके बारे में आज हम सीखेंगे। हम देखते हैं लूका 4:14 में क्या लिखा है कि फिर यीशु आत्मा के सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई और उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा और सब उसकी बड़ाई करते थे। यहां पर प्रभु यीशु मसीह आत्मा से भरा हुआ कहां पर पहुंचा? गलील। अब सबसे पहले वो गलील ही क्यों गया? तो यहां मेरे दिमाग में एक सवाल आता है कि प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले गलील में अपनी सेवकाई को क्यों आरंभ करता है? उसके लिए हम अगर हम देखें, वचन पढ़ें, तो यहां पर देखते हैं मरकुस 1:14 में यहुन्ना के पकड़ाए जाने के बाद यीशु गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। यानी कि प्रभु यीशु गलील गया क्योंकि यहुन्ना बपतिस्मा देने वाले को वहां पकड़ लिया गया था। अब वो उसको क्यों पकड़ा, उसको अगर हम देखें तो मरकुस 6:17 में कहता है कि यहुन्ना हेरोदेस राजा के से ये कहता है कि तूने जो तेरे भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियास को रख रखा है, उससे जो तूने शादी करी है गलत है, ये अनुचित है, इसीलिए उसको उसने क्या करा, जेल खाने में डाल दिया। अब ये हेरोदेस वो हेरोदेस राजा नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय था, ये हेरोदेस अलग है, इसका नाम है हेरोदेस अंतिपास। तो वहां के यहूदी कल्चर के अंदर राजाओं के आगे हेरोदेस लगाया जाता था। हेरोदेस का ग्रीक मतलब होता है हीरो या वॉरियर, इसको वो बोला करते थे अपने राजा को सम्मान देने के लिए। तो ये हेरोदेस वो हेरोदेस नहीं है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है हमें। तो अब ये हेरोदेस जो है, उस समय हेरोदेस राजा के पास पूरा यहूदा था जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था, पर अब इस हेरोदेस के पास 1/4 राज्य रह गया है बस, जिसके अंदर गलील और पेरा, ये दो जगह का ये राजा है और इसका जो राजमहल है वो गलील में है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह गलील पहुंचा, क्योंकि गलील के बंदीगृह में इसने यहुन्ना को डाल रखा था और ये वहां जाता है और वहां जाके प्रचार करना आरंभ करता है। और ये वहां प्रचार करता है और क्या कहता है कि समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास रखो। क्या कहता है, ये परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। कौन है ये परमेश्वर का राज्य? प्रभु यीशु मसीह। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। जो सुसमाचार मैं तुम्हें सुनाता हूं उस सुसमाचार पर विश्वास तुम्हें करना है, तब जाके तुम्हें क्या मिलेगा, स्वर्ग राज्य मिलेगा। क्या कहता है कि इसी चीज को दोबारा अलग तरीके से लिखा हुआ है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। तुम्हारे पास आया है स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का राज्य प्रभु यीशु मसीह है। वो कहता है कि मन फिराओ क्योंकि तुम्हारे पास स्वर्ग का राज्य आया है। गलील में कह रहा है, सबके सामने आराधनालयों में कह रहा है, इसको किसी बात का डर नहीं है। और जब हम लूका देखते हैं 13:32, हेरोदेस चाहता है इसको पकड़ के मरवा डालना। 13:32, उसी घड़ी कुछ फरीसी आकर उससे कहा, यहां से निकल कर चला जा क्योंकि हेरोदेस तुझे मरवा डालना चाहता है। वहां पर प्रचार कर रहा है और प्रभु यीशु मसीह गलील में प्रचार कर रहा है, सबको चंगा कर रहा है, ठीक कर रहा है, दुष्ट आत्माएं निकाल रहा है। और ऐसे अवस्था में क्या होता है, फरीसी लोग उसके पास आकर क्या बोलते हैं कि हेरोदेस तुझे मरवा डालना चाहता है। उसने उससे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कह दो, देख मैं आज कल दुष्ट आत्माओं को निकालता और बीमारों को चंगा करता हूं और तीसरे दिन अपना कार्य पूरा करूंगा, तो भी मुझे आज और कल और परसों चलना अवश्य है, क्योंकि हो नहीं सकता कि कोई भविष्यवक्ता यरूशलेम के बाहर मारा जाए। साफ कहता है प्रभु यीशु मसीह की, जाके कह दो उस लोमड़ी से, एक राजा को कह रहा है ये, प्रभु यीशु मसीह के दिल में बिल्कुल डर नहीं है, 1% भी डर नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है कि पूरा जो अधिकार है परमेश्वर के हाथ में, एक राजा कुछ भी नहीं कर सकता मेरा। जब तक मुझे एक सेवकाई करनी है, जब तक मुझे एक कार्य करना है, तब तक राजा मेरा कुछ भी नहीं कर सकता, उसके बाद
परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मैं खुद खुद का बलिदान दूंगा, मैं खुद स्वयं का बलिदान दूंगा, तब ये लोगों के हाथ मेरे ऊपर आ सकते हैं। और वो कहता है कि उस लोमड़ी से कह दो, उसे कितना गुस्सा है उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह को, क्योंकि इसी हेरोदेस ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को पकड़वा लिया था और बाद में उसका सर कटवा दिया था अपनी पत्नी के कहने के कारण। और दूसरा कारण एक और था गलील जाने का प्रभु यीशु मसीह का, वो ये था कि उसको वहां पर अपने चेले बनाने थे। तो गलील के झील के किनारे जब वो चल रहा था, यहाँ पर लिखा है मरकुस 1:16 में, तब शमोन और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा क्योंकि वे मछुए थे, और यीशु ने उनसे कहा कि मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्य के मछुए बनाऊंगा। और वह तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए, और कुछ आगे बढ़कर उसने जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को नाव पर जालों को सुधारते देखा। उसने तुरंत उन्हें बुलाया और वह अपने पिता जब्दी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़ उसके पीछे हो लिए। यहाँ पर उसने चार चेले लिए, चार चेले अपने बुलाए, और ये चेले कौन थे? एक पत्रस, अंद्रियास, यूहन्ना और याकूब। ये चारों को उसने बुलाया, और उसके वचन में शक्ति देखिए कि एक बार उसने बोला और सारे अपना काम छोड़ कर चले गए। ये लोग उनको पहले जानते नहीं थे प्रभु यीशु मसीह को, और हो सकता है इन्होंने कुछ भी ना जाना हो प्रभु यीशु मसीह के बारे में, पहली बार ही इनका संपर्क हुआ हो प्रभु यीशु मसीह के साथ। और जब इसने प्रभु यीशु मसीह ने इनको चुना है, इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं चुना, इस बात पे गौर करें। प्रभु यीशु मसीह हमें चुनता है उसके कार्य कराने के लिए, उसके सेवा कराने के लिए। हम आगे होके प्रभु यीशु मसीह को नहीं चुन सकते, प्रभु यीशु मसीह की दया हम पर बननी चाहिए। हम प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु मसीह तू हमें चुन ताकि हम तेरी सेवा कर सकें। हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा वो हमें सुन सकता है। हमारे काम, हमारे योग्यता, हमारी बुद्धिमानी, हमारे पैसे, इससे उसे कोई मतलब नहीं है। हम कितने भी पहलवान क्यों ना हो, कितने भी सामर्थ्य क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह हमारी क्वालिटीज को देख के हमें नहीं चुनता, वो हमें चुनता है उसके अनुग्रह के द्वारा। तो इस चीज का हम ध्यान रखें। यहाँ पर उनके अंदर कोई क्वालिटी नहीं थी, ये सिर्फ साधारण एक कौन थे, मछुआरे थे जो मच्छियां पकड़ते थे, और इनको प्रभु यीशु मसीह ने आके क्या बोला कि आओ मेरे पीछे हो लो और मैं तुम्हें मनुष्य के मछुए बनाऊंगा, यानी कि मनुष्य को तुम अब इसके बाद से तुम मनुष्य को सुधारोगे, उनको अपनी गंदगियों से निकालोगे, मनुष्य अपनी बुराई से निकलेगा तुम्हारे द्वारा। ये उसकी भविष्यवाणी थी, और बाद में ऐसा हुआ भी कि पत्रस ने हजारों लोगों को सुसमाचार सुनाया और हजारों लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे उसके द्वारा आए। तो प्रभु यीशु मसीह हमें ये अवसर देता है कि हम उसके लिए कोई काम कर सकें। इस अवसर को हमें खोना नहीं है, और प्रभु यीशु मसीह जैसे ही चुनता है ऐसे उसके पीछे सब कुछ छोड़ के चले जाना है। यहाँ पर लिखा है कि तुरंत वो पीछे चले गए, अपने पिता को छोड़ दिया उसने और उनके नौकरों को वगैरह सब कुछ छोड़ दिया। उनको ये नहीं मालूम था कि आगे हमें खाने को क्या मिलेगा, आगे हम क्या पहनेंगे, ये प्रभु यीशु मसीह के चलने के पीछे चलने से हमें लाभ होगा या हानि होगी। उन्होंने कुछ नहीं सोचा, उन्होंने सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करा और उनके पीछे हो लिए। हमें भी यही विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के पीछे होके चलना है, तब जाके हमारे जीवन के द्वारा वो बहुत सारे महिमा के काम करेगा, उसकी महिमा के काम करेगा। हमारे जीवन के द्वारा बहुत सारी आशीषें वो दूसरों को देगा। हमें सिर्फ उसके ऊपर विश्वास करना है पूरा का पूरा। और यहाँ पर चेलों के बाद उसने कहाँ गया, चेलों को लिया उसने, उसके बाद वो कफरनहूम गया। कफरनहूम के अंदर जाके उसने क्या करा, आराधनालयों में दोबारा सुसमाचार सुनाया और बहुतों को वहां पर लिखा है कि बहुत उसके पीछे आ गए। और कफरनहूम में उसने बीमारों को चंगा करा, कोढ़ियों को चंगा करा, लकवे के मारे हुए लोगों को चंगा करा, दुष्ट आत्माओं को निकाला। इसके लिए हम देखते हैं आराधनालय में जब वो सुसमाचार सुना रहा था, उसके 4:23 में देखते हैं मत्ती, यहाँ पर 4:23 में क्या कहता है कि यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उन आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार करता, लोगों को हर प्रकार की बीमारी दुर्बलता से निकालता हुआ आता रहा। वो सब कुछ कर रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर लिखा है
24वें आयत में, जिनमें दुष्ट आत्माएं थी और मिर्गी वालों और लकवे के रोग उनके पास वे लाए और उन्हें भी चंगा किया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ देखिए, जो उसके पास आ रहे हैं और उन सबको चंगा कर रहा है, दुष्ट आत्माएं निकाल रहा है, और ऐसे में सारे के सारे यरूशलेम से लोग उसके पास आने लगे, गलील से उसके पास आने लगे और नासरत से उसके पास लोग आने लगे, सब जगह से लोग इकट्ठे हो रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह का यश बढ़ता जा रहा है। और आगे हम देखते हैं लूका में भी इसी आयत को एक बार, अब हम देखते हैं मरकुस के 1:21 में, तब वह कफरनहूम आए और वह तुरंत सप्त के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा। यहाँ अलग उसने आश्चर्यकर्म करे, अब यहाँ पर दोबारा वो क्या कर रहा है, कफरनहूम में आया और सप्त का दिन था उस दिन, सप्त के दिन के अंदर उसने क्या करा, आराधनालय में जाकर उसने क्या करा, आराधनालय में जाकर उपदेश देने लगा और लोगों को उपदेश सुनकर चकित हो गए, क्योंकि वो शास्त्रियों के समान नहीं अधिकारियों के समान करता था। एक अधिकार था कि उसको परमेश्वर का क्या करना है, उसको वचन सुनाना है और उसके अधिकार से वो सुनाता था। 23वीं आयत कहती, उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य जिसमें एक दुष्टात्मा थी, उसने चिल्ला कर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम। आराधनालय के अंदर उपस्थित एक व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा थी, यहाँ पर साफ लिखा है, उस व्यक्ति ने चिल्ला के बोला, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम। तब प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत डांटा उसे, 25वीं आयत में यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। प्रभु यीशु मसीह अभी चाहता नहीं है कि उसकी जो महिमा है, उसका जो असलियत है, वो सब जगह फेमस हो जाए, वह सब जगह पता लग जाए कि यही प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। ये चाहता नहीं है वो दूसरे जाने, क्योंकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए क्या करना है, भलाई करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के दुखों को दूर करना है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर उसको डांट के कहता है कि तू चुप रह और उसमें से निकल जा, जबकि दुष्ट आत्मा ने उसको तुरंत पहचान लिया था, तुरंत वो पहचान गया था कि ये परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। और उसका नाम तुरंत गलील के आसपास के सारे प्रदेश में फैल गया। तुरंत उसको चुप करने के बावजूद भी क्या हुआ, उसका नाम सारे जगत, सारे आसपास के जितने भी वो थे जगह, उस जगह पे वो फैल गया गलील के आसपास। अब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वापस कहां पर आया, नासरत आया। नासरत के अंदर भी उसने आके क्या करा, आराधनालय में जाकर यशायाह भविष्यवक्ता की उसे पुस्तक दी गई और उसे वहां पढ़ने लगा। नासरत वही जगह थी जहां प्रभु यीशु मसीह पला बढ़ा। यहां के सारे लोग क्या है, प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं कि वो यूसुफ का एक पुत्र है, ये नहीं जानते कि वो परमेश्वर का पुत्र है, उसके ऊपर विश्वास नहीं करते। और ऐसे में क्या हुआ, वो प्रभु का वचन बोल रहा है। 18वीं आयत कहती है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसीलिए कि उसने कंगालों का सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि मैं बंदियों को छुड़ाने की, बंदियों को छुटकारे का, और अंधों को दृष्टि और पाने का सुसमाचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करूं। प्रभु कब प्रसन्न रहता है, ऐसा मैं प्रचार करूं और इन लोगों को जो दबे हुए हैं बोझ से, जो बेचारे बंदी हैं, जो पापों में बंधे हुए हैं, ऐसे लोगों को मैं छुड़ाऊं, ये प्रचार, ये चीज उसने वहां पर बोली। और उसके बाद वो क्या बोलता है, जब ये बोल रहा था तो लोग उसकी सुन के चकित हो रहे थे, लोग बाग उनकी सुन के प्रभु यीशु मसीह की इम्प्रेस होते थे, उससे सुनना पसंद करते थे। और ऐसे में जो वहाँ के शास्त्री लोग थे, जो वहाँ के बड़े लोग थे, वो क्या बोलते हैं, ये क्या ये यूसुफ का पुत्र नहीं, एक सवाल कि यार ये तो यूसुफ का पुत्र है, इसके अंदर इतनी समझ कहाँ से आई, क्योंकि इसने कोई भी शास्त्री के द्वारा बाइबल डिग्री नहीं ली, इसने हमारे जैसे हम पढ़ते हैं व्यवस्थाओं को, इस तरह से ये कॉलेज में नहीं गया, उसके बावजूद इसके अंदर इतनी समझ और बुद्धि कहाँ से आई, उनके अंदर एक प्रश्न था। तब क्या होता है कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उनको बता रहा है, अब उससे ये क्या बोलते हैं कि जो कुछ हमने सुना है कि कफरनहूम में किया गया है, उसे यहाँ हमारे देश में भी कर, ऐसा तुम मुझसे बोलोगे। यहाँ पर लिखा है कि मैं तुम मुझसे ये कहावत अवश्य कहोगे, भविष्यवाणी कि ऐसा तुम कहोगे कि हे वैद, अपने आप को अच्छा कर, यानी कि हमें मत सुधार, तू अपने आप को ही अच्छा कर,
हमें तेरी जरूरत नहीं है, ऐसा बोलोगे तुम मुझे, तुम शास्त्री, तुम मेरे पे विश्वास नहीं करते हो, तुम मुझसे ऐसा बोलोगे कि है वह तो अपने आप को अच्छा कर, हमें तेरी जरूरत नहीं है। और यही हुआ बाद में 29वीं आयत में, जब हम पढ़ते हैं कि वह उठकर उसे नगर के बाहर निकाला और जिस पहाड़ पर वह नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले चले कि वहां से उसे नीचे गिरा दें। प्रभु यीशु मसीह को मार डालना चाहा उसी दिन। अभी तो प्रभु यीशु मसीह के सेवका स्टार्ट हुई है, अभी वो गलील गया, ताकि तो वो गलील गया, गलील से वो कफरनहूम आया, कफरनहूम से नासरत आया, और नासरत में आके उसने जब वचन सुनाने लगा तो वहां के लोगों ने उसको क्या करा, अनादर करा और उसको मार डालना चाहा, और उसको क्या करना चाहा, पहाड़ी पे से पटक डालना चाहा कि उसे खत्म कर दें। पर प्रभु यीशु मसीह वहां से निकल कर चला गया। यहाँ पर लिखा है कि वहां से निकल कर चला गया बच के, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का कार्य अभी करना था, उसको अभी अपना बलिदान देना है। अभी हम आगे पढ़ेंगे उसने और कितने आश्चर्य कर्म करे, और कितनी जगह उसने लोगों को चंगा करा, और जगह जगह उसने आश्चर्य कर्म करे। इन सब चीज़ों को हम आगे पढ़ते हुए जाएंगे, और इस छोटे से अध्ययन के द्वारा प्रभु हमें सिखाता है, समझाता है कि हमें उसके वचन सुनाने से डरना नहीं है, हमें उसके वचन वहीं सुनाना है जहाँ पर लोग उसका विरोध करते हैं। उस चीज को प्रकट करते समय हमें डरना नहीं, वो डरा नहीं। और गलील के अंदर यमुना को पकड़ा, जैसे ही उसको समाचार मिला कि यमुना पकड़ लिया गया है, वो गलील चला गया, वो डरा नहीं उस हेरोदेस अंतिपास से, वो डरा नहीं बिल्कुल भी। और वहाँ जाके क्या बोलता है कि उस लोमड़ी से कह देना मैं 3 दिन का शेड्यूल बता रहा हूँ कि ये काम करूँगा, इसके बावजूद भी तुम मुझे कुछ नहीं कर सकता। इतना उसके अंदर करेज था, इतना उसके अंदर एक साहस था कि वो किसी से भी नहीं डरता था। प्रभु यीशु मसीह वो हमें ये सिखाता है कि हमें भी परमेश्वर पिता के अलावा किसी से नहीं डरना है। हमें उसका वचन बताते समय घबराना नहीं है, हमें उसका वचन सुनाते समय शर्म लज्जा नहीं आनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई पूरी दुनिया को हमें बतानी है, ताकि उसके ऊपर विश्वास करने वाले लोग बढ़ते जाएं, और परमेश्वर हमें उस गंदगी से जिससे उसने हमें छुड़ाया है, हम दोबारा उस गंदगी में ना जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वर्ग राज्य में जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सबको जय मसीह की, परमेश्वर का धन्यवाद।